Assalamualaikum everyone, you are watching Pakistan Stock Market Updates और आज हम दोबारा मौजूद हैं मिस्टर इमरान मेमन के साथ. He is the Chief Operating Officer of Spectrum Securities. Assalamualaikum sir, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र. सर मेरा सवाल है आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में, कि जैसे कि फाइनेंस बिल में जैसे कि इनकी न्यूज आई थी कि इनको टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी और दो ऐसी कंपनी से जिनको प्रॉफिट हो रहा था, तो अभी आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में क्या व्यूज हैं? डॉलर के जो अभी ज्यादा इंक्रीज हो गया था तो उसका भी ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है डॉलर इंक्रीज होने की वजह से, तो आपका क्या व्यूज है इस सेक्टर के बारे में? क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए या कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि शायद यूएस डॉलर भी यहाँ से इतना ज़्यादा ना गिरे और शायद इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा कि यूएस डॉलर दोबारा से 230 की रेंज में आपको नज़र आ जाए. एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो शायद आपकी ऑडियंस इस बात को पसंद नहीं करेगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरा जो व्यू अब मार्केट के बारे में बन रहा है वो इतना कोई पॉजिटिव नहीं बन रहा है. टू मी मार्केट हैज़ रीच्ड अ गुड साइकिल टॉप और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा हम रिवर्सल देख सकते हैं. उस अच्छे खासे रिवर्सल में अगेन मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से अगर कोई 1500 या 2000 पॉइंट्स भी गिर जाती है. सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ऐसे क्या रीजन है जो आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स कर दिया? देखिए मेरे हमेशा मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बात की थी कि मेरी रीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म पे है और वो रीडिंग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की है. साथ में मैं फिर उसी में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम होता है, जिसमें बहुत सारे वेव पैटर्न्स होते हैं. मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं वो ये कि मार्केट, जैसे मैंने लास्ट अपने इंटरव्यू में बताया था आप लोगों को कि मार्केट जो है ना वो अपने पैटर्न को रिपीट कर रही होती है और दुनिया में हर चीज़ अपने पैटर्न को रिपीट कर रही होती है, चाहे हम फैशन की बात करें, चाहे खाने पीने की बात करें, इवन घर के डेकोर की बात करें, तो हर चीज़ अपने पैटर्न को रिपीट कर रही होती है. तो सेम गोज इन द मार्केट, और मार्केट में अगर मैं उस पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो 2017 के मई से लेके 2000 दिसंबर के मई तक मार्केट ने 210 डेज में 29% फॉल किया था. उसके बाद मार्केट ने दिसंबर और अप्रैल के बीच में 112 दिनों में 25% राइज की. फिर मार्केट ने अप्रैल के 18 से लेके सॉरी 2018 के अप्रैल से लेके जुलाई 2018 के बीच में 18% फॉल किया 98 डेज में, और फिर जुलाई 2018 से अगस्त 2018 के 21 डेज में मार्केट ने 13% राइज किया, और इवेंचुअली अगस्त 2018 से लेके अक्टूबर 2018 के बीच में 78 डेज तकरीबन थे जिसमें मार्केट ने 17% लूज किया था. इंटरेस्टिंगली अगर हम इस पैटर्न को यहाँ पे देखें ना तो जून 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक तकरीबन 185 डेज बने. हम यहाँ पे पहले बात कर रहे थे जब दिसंबर मई 2017 से दिसंबर 2017 की बात कर रहा था, उसमें 210 दिन मार्केट ने गेन किया था, सॉरी मार्केट ने लूज किया था 210 दिन. यहाँ पे जून से लेके दिसंबर 2021 के बीच में मार्केट ने वही 185 डेज के बीच में लूज किया 13%. ठीक है, अब ये मार्केट का मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अपने साइकिल्स को किस तरह से रिपीट करती है. फिर दिसंबर 2021 से लेके अप्रैल 2021 के बीच में 112 दिन थे जो मार्केट ने 10% राइज किया था, यही पैटर्न हमने पहले भी देखा था.
फिर अप्रैल 2022 से लेके जुलाई 2022 के बीच में 98 डेज थे और मार्केट ने 16% फॉल किया। यही पैटर्न हमने यहाँ पे देखा। अब जुलाई 2022 से लेके अगस्त 2022 का टाइम हो चुका है और मार्केट ने जो रीसेंट हाई लगाया है वो 43,800 का लगाया है, विच मीन्स कि मार्केट तकरीबन वहाँ से कोई 13% गेन कर चुकी है। ठीक है, यही 13% गेन जो है वो जुलाई से लेके अगस्त 2018 में भी किया था और 21 डेज में किया था। मार्केट ने अभी भी तकरीबन 21 डेज में इतना ही गेन किया है, 39,550 से लेके 43,800 का, 21 दिनों में तकरीबन 13% मार्केट गेन कर चुकी है। विच मीन्स कि मार्केट ने ये चार पैटर्न जो 2017 से 18 के बीच में देखे थे ना, ये चार पैटर्न 2021 से लेके 22 तक फॉलो किए हैं सेम टाइम स्केल के ऊपर। फिर अगर इसी को फॉलो कर रही है मार्केट तो अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में 78 डेज के अंदर मार्केट ने 17% फॉल किया था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले 78 डेज में फिर एक फॉल देंगे, क्योंकि मार्केट उस पैटर्न को ही फॉलो कर रही है एग्जैक्टली टाइम स्केल्स के ऊपर। ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना कि वरना आप देखें कि परसों हमने खबर देखी थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया, उसके अगले दो दिन में मार्केट नेगेटिव रही है। क्यों? आप ये रीजन बताएं। उसका रीजन यही है, देखिए रीजन आपको बाद में शायद नजर आएंगे हर चीज का। लेकिन एक ये भी कहा जा रहा था मार्केट में कि जैसे मार्केट नेगेटिव हुई, जैसे मार्केट पहले बहुत दिन पॉजिटिव जा रही थी, उसके जो फर्स्ट नेक्स्ट डे पे जो मार्केट नेगेटिव हुई उसके बाद तो मार्केट मतलब सही से परफॉर्म कर रही है नॉर्मल पे अभी, तो कह रहे थे मार्केट में करेक्शन आ रही है। उसके बाद दोबारा कहा कि अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी इस वजह से लोग मार्केट में अभी इन नहीं हो रहे, इसीलिए मार्केट थोड़ी डाउन चल रही है। और आपका मतलब क्या व्यूज है इस चीज के बारे में? व्हाट इफ के मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक आपको सरप्राइज दे और 1% गेन 1% राइज आ जाए, व्हाट इफ, फिर आपको रीजन मिल जाएगा। देखिए रीजन मिल जाएगा, देखिए मैं आपको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ये इससे टेक्निकल एनालिसिस से कोई ताल्लुक नहीं है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ। मार्केट कभी भी ना आपकी ख्वाहिश पे नहीं चलती जी। और जो मार्केट से आप एक्सपेक्ट करते हो ना बेस्ड ऑन द न्यूज, बेस्ड ऑन आर्टिकल्स जो आपको पोस्ट किए जाते हैं, मार्केट 90% केसेस में उसको उल्टा करती है। आपने टर्म सुनी होगी बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ, या सेल ऑन न्यूज, सेल ऑन स्ट्रेंथ नहीं सेल ऑन न्यूज, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। उसकी इस टर्म का मतलब ये है कि जब अफवाहें आ रही हो ना तो आप बाय करना शुरू करो, लेकिन जब वो अफवाह न्यूज में चेंज हो जाए ना तो स्टार्ट सेलिंग इट। और ये बड़ी कॉमन इसकी टर्म है, आप गूगल भी करके देख सकते हो, बड़ी मशहूर। लेकिन इशू ये है कि जो हमारी हर्ड मेंटेलिटी है ना, जो हमारी भेड़ चाल वाले बेचारे जो लोग हैं वो उसका उल्टा करते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट टू इंटरव्यूज में कुछ स्टॉक्स आपको बताए थे कि जिसमें मैंने कहा था कि ICST यहाँ पे अच्छा लगता है, फिर मैंने गंदारा निशान का आपको बताया था, गंदारा इंडस्ट्रीज को बताया था, उसके बाद गंदारा निशान ने एक आध कैप भी लगा लिया था। कितने लोग थे जिन्होंने उस नेगेटिव मार्केट में जब मार्केट चल रही थी 42,700 के आसपास मार्केट जो लास्ट इंटरव्यू था उसमें चल रही थी, कितने लोग होंगे जिन्होंने गंदारा निशान में या PSMC में या उससे पहले वेव्स में या आयशा स्टील में या इस तरह के स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे जो उस वक्त काफ़ी अपने बेस लाइन पर चल रहे थे और उसमें वॉल्यूम भी नहीं आ रहा था, कितने लोग थे जिन्होंने उस वक्त उसका काम किया होगा, और कितने लोग थे या हैं जिन्होंने वेव्स 14 रुपये पर बाय किया होगा। मैंने कंप्लीटेड इट्स रैली, आप 14 रुपए पे कब बाय किया, जब उसकी समीन टेक्सचर वाली खबर आ गई और उसके बाद वेव्स को कल फ्लोर मिला। तो अगर ये जो है सर, ये जो अभी आपने PSMC के बारे में भी कहा तो इसकी अभी न्यूज आई है कि मतलब इनके जो ऑपरेशन है वो शट डाउन हो गए हैं, तो फिर भी ये स्ट्रॉन्ग क्यों खड़ा है? देखिए कुछ चीजें अपने आप को प्राइसिंग कर लेती है। PSMC अभी क्या रेट चल रहा है, 178 चल रहा है, प्लांट शटडाउन हो जाना चाहिए, अगर प्लांट शटडाउन हो रहा है क्योंकि हो रहा है इसको फ्लोर लग जाना चाहिए था। यस वही तो, मतलब ये क्यों स्ट्रांग कर रहा है? देखिए उसके रीजन ये है ना कि भाई अगर कोई अच्छा बायर है
उसको मालूम है कि पार्क सुजुकी मोटर्स जो है वो शायद पाकिस्तान में पहली कार मैन्युफैक्चरर के तौर पर पाकिस्तान में आया था। वो इतनी जल्दी तो अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं करेगा। हाँ, प्लांट किसी वजह से बंद हुआ होगा, जो कि उन्होंने रीजंस भी दिए। एक हफ्ता और रीजन खत्म हो जाएगा, उसको दो कैप लग जाएंगे, फिर पब्लिक आएगी लेने के लिए, और फिर इस पर जिसने लिया है वो कहेगा ठीक है भाई हम चले, अब तुम संभालो माल। यही हो रहा है ना। कल पूरी मार्केट में एक खबर चल रही थी कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है। वेयर इज दैट रिफाइनरी पॉलिसी? जिस रिफाइनरी पॉलिसी को लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे थे, क्या किसी ने एक दफा भी उसके कंटेंट को या उसके जो कीवर्ड्स थे उसको गूगल करके देखा कि वो सही भी है कि नहीं है? आप गूगल करें आपको पता चलेगा कि वो सितंबर 2021 की खबर है, जिसमें सिर्फ डेट चेंज करके आगे पेश कर दिया गया है, और उसकी यूं देखा जाए तो तर्दीद भी नजर आ गई आपको शाम में, जब यार भाई सब जगह स्लाइड चलाई कि भाई अटक रिफाइनरी तो अपने प्लांट शट डाउन करने की धमकी दे रहे हैं। फिर तो सुबह तो अटक रिफाइनरी को कैप लगने वाला था एक दिन पहले तो, और उस कैप पे वॉल्यूम भी आया। आज अटक रिफाइनरी जब डाउन चल रहा है तो उसमें तो उस तरह वॉल्यूम नहीं आया। लेकिन सर फिर भी इस वक्त तो अटक रिफाइनरी को ऐसे समझे इस न्यूज के बाद, तो इसको तो बिल्कुल लोअर लॉक लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना वो रिफाइनरी पॉलिसी वाली न्यूज पॉजिटिव थी, ना ये न्यूज नेगेटिव थी, क्योंकि इन दोनों न्यूज की सिग्निफिकेंस ही कोई नहीं है। ये दोनों न्यूज जो है 6-6 महीने से पुरानी चल रही है। रिफाइनरी पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया कि आप गूगल करके देखें, सितंबर 2021 में और नवंबर 2021 में वो फाइनल हो चुकी है, ठीक है। और ये अटक रिफाइनरी वाली जो बात है, ये अटक रिफाइनरी और बाकी रिफाइनरी वाले जो है 4-4 महीने से बात कर रहे हैं कि भाई हम प्लांट शट डाउन कर देंगे, हमारी इन्वेंट्री उठाओ। नोटिस उन्होंने कल दिया बस। तो पॉइंट इज के पब्लिक जो है ना, वो ये जो न्यूज आती है ना, ये बेसिकली न्यूज आती ही इसलिए ताकि पब्लिक को दिखाया जाए एंड पब्लिक गेट एक्साइटेड। कल पब्लिक एक्साइटमेंट में लेके गई थी अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, और 20.5 रुपए में पाकिस्तान रिफाइनरी। आज पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वहां से 1 रुपया डाउन, और वही पब्लिक जो है वो आज बेच के बैठी होगी कि भाई ये तो नुकसान हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान रिफाइनरी यहाँ पे कोई बहुत अट्रैक्टिव हो गया। पाकिस्तान रिफाइनरी कैन फॉल बिलो शायद 17, क्योंकि वो अपने एक अच्छे टॉप की तरफ जा रहा है। वो होता ही नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान रिफाइनरी यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, बट पाकिस्तान एटलीस्ट कल बाय करने वाला नहीं था। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीकेसी के बारे में, सीमेंट सेक्टर के बारे में, कि एक डीजीकेसी का जो स्टॉक है उस बारे में आपके क्या व्यूज है, टेक्निकल्स क्या शो कर रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है, मतलब जैसे पाकिस्तान को डिमांड होती है सीमेंट की, वो इतनी ज्यादा अभी नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट मतलब इतना ज्यादा टॉप पे नहीं चल रहा हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और इनकी ज्यादा डिमांड भी इसी चीज में होती है सीमेंट की। तो अभी आप मतलब डीजीकेसी को कहां पे देखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो इतना अरबों का कर्जा भी है। देखिए अगेन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना, वो मैं रिपीट करूंगा कि ओवरऑल मार्केट में मेरा कोई इतना पॉजिटिव आउटलुक नहीं है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, अब उसको आप करेक्शन कह लें, मतलब मैं आपसे कहूँ कि मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट गिर सकती है, शायद मेरे लिए वो करेक्शन हो, लेकिन आपके लिए बड़ा फॉल होगा। जब भी मार्केट कोई 1500 पॉइंट्स ऊपर जाती है, 2000 पॉइंट्स नीचे आती है, तो उसके पीछे कोई रीजंस होते हैं, कोई न्यूज होती है। तो इस वक्त आपको मतलब क्या, मतलब एक जो होती है ना ऑथेंटिक एक न्यूज होती है, मेरे पास कोई न्यूज नहीं होती। मेरे पास कोई भी न्यूज नहीं होती, ना मेरे पास उस वक्त न्यूज थी जब इस साल के शुरू में लोग 60,000 की बातें कर रहे थे, एंड आई वॉज अमंग द वेरी फ्यू। आपने शायद अगर मेरा ट्विटर पेज फॉलो कर लिया है तो आप देख लीजिएगा, 28 दिसंबर 2021 को लिखा था मैंने कि 39,600 जो है वो मार्केट का एक, मतलब अगर कभी भी कोई न्यूज आए कि मार्केट 55,000 ऊपर जाएगी, 60,000 जाएगी, तो मतलब इसका नेगेटिव ही आएगा। देखिए अगर कोई बात कर रहा है, मिसाल है आपने जो लास्ट इंटरव्यू में बात की थी कि भाई कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने 52,000 की बात की है, वो क्यों की थी, और 52,000 वो एक साल बात कर रहे हैं, ठीक है।
अगेन मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा, लेकिन हमने बहुत दफा देखा है ना ऐसा। तो जब वो टाइम आएगा और उस अगर 52,000 नहीं हुआ तो हु विल बी क्वेश्चनिंग दोज पीपल? कोई क्वेश्चन तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो डिस्क्लेमर तो दिया होता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डिस्क्लेमर तो दिया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, अपनी स्टडी आप कर लेना। होता ये है कि वो जो 52,000 की बात आई ना, और 52,000 की बात आई जून 2023 की, और बात आई अगस्त के शायद पहले हफ्ते में, ठीक है। कितना टाइम बाकी है अभी? तकरीबन 10 महीने बाकी है, बट पब्लिक कहती है 10 मिनट में हो जाएगी। ऐसे ही है ना जी, ऐसे एक्साइटमेंट ऐसी आती है, एक्साइटमेंट तो आ जाती है कि, और फिर उसके बाद एक्साइटमेंट इस तरह से आती है कि जो बंदा जिसके पास अपने शायद इतने पैसे नहीं होंगे, वो अपने घर से ही पैसे ले आता है, औरों से ही पैसे मांग के ले आता है कि अब मार्केट तो 52,000 जा रही है भाई, और सारे के सारे पैसे मार्केट में डाल देते हैं। अगेन उसकी सोच क्या होती है कि 52,000 उसको शायद 10 मिनट में मिल जाएगा, बट सामने टारगेट क्या दिया है 10 महीने का। अब जब उसने सारे पैसे डाल दिए और वहां से मार्केट एक जगह पे पॉज हो गई, जैसे अभी हुई भी है जी। मार्केट पिछले 3 दिन से अपनी रेंज में खड़ी है, मार्केट 43,800 नीचे नहीं तोड़ती, 43,200 नीचे ऊपर, 43,800 ऊपर नहीं तोड़ती, 43,200 नीचे नहीं तोड़ती, ऐसी इस रेंज में खड़ी। अब अगर किसी ने एक हफ्ते पहले इस परसेप्शन में पैसे डाल दिया कि मुझे 52,000 का टारगेट मिला हुआ है, वो कहेगा तो मार्केट तो चल ही नहीं रही भाई, फिर तो आपसे पूछेगा मार्केट क्यों नहीं चल रही, आपके चैनल पे किसी ने कहा था कि 52,000 मिल जाएगा, ये तो रिपोर्ट सही था। ऐसे ही ना, फिर वो लोगों से पूछता फिरेगा कि भाई क्या हो 52,000 क्यों नहीं हो रही मार्केट। अरे आप ये देखो 52,000 में बंदे ने टारगेट दिया कब का है, 10 महीने के बाद, 10 महीने के बाद। और 10 महीने में अगर ऑन एन एवरेज एक महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं, तो इट टेक्स 200 वर्किंग डेज। जी। आप चाहते हो 200 सेकंड्स में हो जाए, वो कैसे पॉसिबल है? ये तो फिर आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हो ना। और इस मार्केट में 99% बेचारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो देखें माइंडसेट ये होता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आई उसके बाद मार्केट में तेजी हो जाएगी तो भी बाय कर। हमारे यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम हर चीज में ना इजी रिटर्न चाहते हैं। देखिए आप मुझे आप ये बताइए कि पिछले 4 महीने से 5 महीने से बहरिया टाउन की मार्केट उस तरह से नहीं चल रही, एक पॉज आया ना, उससे पहले कैसे चल रही थी कि एक फाइल 5 लोगों को ट्रांसफर हुई हुई थी, ऐसे था। और पैसा एक्चुअली किसी ने नहीं डाला हुआ था, मतलब जो बेचारे प्ले करने वाले जो फाइलों में खेलने वाले थे उनका अपना पैसा तो नहीं डाला हुआ था, मतलब किसके पास इतनी इस वक्त ताकत है कि वो 25 या 30 लाख रुपए किसी एक प्रॉपर्टी में डाल के उस पर अर्न कर रहा हो। वो एक टोकन मनी देते थे और फाइल ट्रांसफर हो जाती थी, और उस पर वो अर्ली गेन बना के चाहे वो एक दिन में करें चाहे वो एक हफ्ते में करें एग्जिट ले लेते थे। अब उसे पॉज आ गया, परेशान हो गए, ऐसे ही ना। कितने मुझे बताएं विद इन द सिटी, मुझे बताएं कि कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इस तरह के छक्के लग रहे हैं कि रोज आप फाइलें चेंज कर रहे हो। ये काम वहीं पर होता है जहाँ पर आप इजी मनी या शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे होते हो, और इस मार्केट में भी इसी तरह से हो रहा होता है। तो अगर आपका माइंडसेट है ही ये कि मुझे इजी कम इजी को करना है, तो आपको फिर इस तरह की न्यूज़ मिलती रहेंगी कि मार्केट 52,000 जा रही है, आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहेंगी कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहेंगी कि शट डाउन हो रहा है और वो इन एंड आउट होता रहेगा, द स्टोरी गोज ऑन। मेरा एक मैंने कहीं पढ़ा था सर, इस ये जो आपने कहा था कि न्यूज आएंगी, आप इन एंड को मनी होती जाएगी, आपका लॉस होता रहेगा, आप उस पर काम करते जाएंगे, तो आप एक इन्वेस्टर को क्या सजेस्ट करेंगे कि आप इन न्यूज पे आप किस तरह से रिएक्ट करो, एक इस मतलब इस टाइम पे, ये जो अभी टाइम चल रहा है हमारे, इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, अभी तो सिर्फ न्यूज ही आ रही है कि आपका IMF का लोन आएगा, यहाँ से लोन आएगा, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इनके साथ हमारा MOU साइन हुआ है, तो लेकिन अभी तक ऐसे कुछ भी मतलब इनिशिएट तो नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में आप इन्वेस्टर को क्या सजेस्ट करेंगे कि आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको इस न्यूज पे या कौन कोई भी अगर न्यूज आ जाती है तो आपको उस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? थोड़ा सा ना
देखिए हम हर चीज में कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक सब्जी भी लेने जाते हैं तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सब्जी वाला अगर हमसे बोले कि मैं आलू आपको 500 रुपए किलो दूंगा तो आप नहीं लेते उसे जी। नहीं लेते नहीं। अगर आपसे कोई चिकन वाला बोले कि मैं आपको 2000 रुपए किलो चिकन दूंगा तो आप ले लोगे, चाहे जितना भी वो चिकन हॉट हुआ हो आप नहीं लोगे ना। आप बोलोगे नहीं भाई, मेरी सेंस इसको नहीं बर्दाश्त करती, मेरी अकल बर्दाश्त नहीं करती इसको। ठीक है, अगर कोई आप मेहरान लेने के लिए जाते हो और मेहरान आपको बोले कि 10 लाख रुपए की मेहरान है, आपका जहन बर्दाश्त करेगा उसको? नहीं करेगा। अगर आपको करोड़ों को बोले कि करोड़ रुपए की है, आपका जहन बर्दाश्त नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। ठीक है ना, ये लैपटॉप पड़ा है, ये आपको बोले कि 5 लाख रुपए का लैपटॉप है, बोले क्या मतलब सोने की चीज लगे, मैं क्या लगे इसके अंदर? ऐसे हो ना, जब आप जिंदगी के हर पैटर्न पे इस चीज को फॉलो कर रहे होते हो तो फिर यहाँ पे क्यों भूल जाते हो, यहाँ क्यों भूल जाते हो? ये मेरा एक मैसेज है लोगों के लिए कि जब आपको कोई इस तरह की न्यूज मिले ना तो आप ये देखो कि इस तरह की न्यूज पे हिस्टोरिकली मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया और उसका रिएक्शन कहीं बबल तो नहीं बना। देखिए IMF में पहली मरतबा नहीं जा रहा है, ठीक है, सऊदी अरब से पहली मरतबा पैसा नहीं आ रहा, बाकी कंट्रीज से पहली मरतबा फंडिंग नहीं आ रही, बहुत दफा आ चुकी है ना। 2019 में भी सऊदी अरब ने जो किंग सलमान थे, प्रिंस सलमान, उन्होंने विजिट किया था और फंडिंग अनाउंस की थी। उसके बाद मार्केट कहाँ गई? एक हफ्ते का बबल बना एंड उसके बाद डाउन खत्म। फिर इसी साल फरवरी में भी हमें IMF की ट्रांच मिली है, जो PTI के आखिरी शौकत तरीन वाले टाइम में मिली थी। ठीक है, 6th review था, उसमें ट्रांच मिली ना, उसके बाद मार्केट कहाँ गई? 46,400 का शेयर मार्केट ने हाई लगाया था, आज मार्केट 43,000 पे खड़ी हुई है जी। तो उस ट्रांच का क्या हुआ? यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल द थिंग्स कि क्या ये $1 अरब या $1.25 अरब या $2 अरब में मिल जाते हैं, उससे होगा क्या? मुझे देखना ये है ना, मेरी यहाँ पे मेरे घर की इस वक्त नीड है कि मेरा घर जो है वो 5 लाख रुपए में चलता है महीने का। आप मुझे बोलो कि इमरान, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रही हूँ और मैं उसको सेलिब्रेट करूँ, ये सेलिब्रेट करना मेरे लिए जायज होगा कि वो भाई मेरा खर्चा तो है 5 लाख रुपए का, आप मुझे 1 लाख रुपए का देके क्या कर रहे हो? हाँ, 1 लाख रुपए शायद हो सकता है एक हफ्ते के लिए मुझे को ब्रीदर दे दे, नथिंग एल्स। ऐसे ही है ना जी। अब आप ये देखो कि आपकी कंट्री चलाने के लिए आपको रोज के पैसे कितने चाहिए और आपको मिल कितने हैं जी, राइट। फिर अगेन मेरा किसी भी ना गवर्नमेंट से ना अपोजिशन से ना कोई दोस्ती है ना दुश्मनी, बट एक लॉजिक है, एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की इंपोर्ट बंद कर रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल की इंपोर्ट बंद की, वो इसलिए कि हम इंपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं ताकि हमारा डॉलर का आउटफ्लो जो है वो रुक जाए। और साथ में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि अगर कार मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है कुछ दिन तो रुक जाए, रेफ्रिजरेटर की इंडस्ट्री रुक जाती है तो रुक जाए। अब रेफ्रिजरेटर की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज कौन कौन सी हैं? पहले है और वेव से, तो इफेक्टिव कौन हुए ये दोनों कंपनीज? अगर वो कहते हैं कि भाई कार मैन्युफैक्चर रुक जाए तो कार मैन्युफैक्चर के हमारे पास कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज हैं? TSMC, HCAR, इंडस्ट्रियल, ये सारे हैं ना। यस सर। जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिस दिन उन्होंने कहा था कि हम रॉ मटेरियल की इंपोर्ट बंद करें, जिसपे शायद बहुत सेलिब्रेशन हुई थी और शायद डॉलर भी हमारा पाक रुपये भी अप्रिशिएट होना शुरू हो गया था, उस दिन से आज तक आप PSMC की परफॉर्मेंस देख लें, आप HCAR की परफॉर्मेंस देख लें, आप इंडस मोटर की परफॉर्मेंस देख लें, आप वेव्स की परफॉर्मेंस देख लें, आप पेल की परफॉर्मेंस देख लें, क्या तो आपको नजर ये आता है कि मैंने स्क्रीन पे न्यूज देख के जो काम किया, मैंने उसको कॉमन सेंस तो मैंने लगाया ही नहीं उसके अंदर कहीं, मैं तो खाली ये देखा कि उस कंपनी का रिजल्ट क्या कह रहा है, मैं ये भूल गया कि वो रिजल्ट तो हो चुका ना। हाँ। एक कंपनी अपना रिजल्ट अभी जो कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं अभी हम ऑगस्ट में खड़े हैं, रिजल्ट्स कौन सी पीरियड के अनाउंस हो रहे हैं? जून। हाँ। जून के ना, जून के। हम कहाँ खड़े हैं अभी? ऑगस्ट में। हाँ, ऑगस्ट में। उस पीरियड के भी 2 महीने बाद के एंड पे खड़े हैं, ऑगस्ट भी एंड होने वाले हैं। यस। तो उस पीरियड के भी 2 महीने, अब उस 2 महीने में क्या डेवलपमेंट्स हुए हम भूल जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस कंपनी ने 2 महीने पहले ये फला रिजल्ट दिया था जी।
ये फना इसका रिजल्ट आया था, हाँ। दो महीने पहले की परफॉर्मेंस ये थी और उस परफॉर्मेंस के बेस पे उन्होंने ये दे दिया, तो भाई वो दो महीने में स्टॉक भी तो उस तरह मूव कर गया ना। यस सर। अब आप इस पे मूव कर रहे हो कि वो दो महीने पुरानी परफॉर्मेंस के थी। आप ये देखो आगे क्या है, हम ये भूल जाते हैं। वी ऑलवेज फॉरगेट कि द अनाउंसमेंट इज गिवन इज हिस्ट्री। यस सर। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि आगे क्या है। भाई एंग्रो फर्टिलाइजर ने डिविडेंड दिया, ईपीसी ने डिविडेंड दिया, वो हिस्ट्री हो गई ना। yes. आगे क्या है, आगे नजर आ रहा है कि भाई सुपर टैक्स है, बहुत खतरनाक इसमें मूव आ सकती है और पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर सकती है। सुपर टैक्स जिस जिस सेक्टर पे लगेगा वो तबाह हो जाएगी। तो सर चाहे वन टाइम लगे, हाँ भले ही वन टाइम लगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई ना। प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई, लेकिन अगर इनकी हिस्टोरिकल परफॉर्म देखा जाए तो इनके इतने स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, तो जस्ट मतलब सुपर टैक्स हमेशा के लिए नहीं। देखिए अग्री, आप ये बात कर रहे हो कि एक चीज की परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली अच्छी चल रही है, उसके मार्जिन अच्छे चल रहे हैं, उन मार्जिन के बेस पे उस स्टॉक ने परफॉर्म भी तो कर लिया ना। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको याद है एक, आई डोंट नो कि आप उस टाइम पे यहाँ पे थे कि नहीं है, थे, नहीं थे, लेकिन एक साल पहले, एग्जैक्टली एक साल पहले टीआरजी की बात हो रही थी कि 250 रुपए में बायबैक अनाउंस होगा इसका, ठीक है, उस टाइम पे हॉट केक बना हुआ था ये, 180 पे भी कहते थे कि बस यार इसको ले लो, ये दूसरा नेटसोल बन जाएगा, नेटसोल के बारे में कहते थे कि दूसरा सिस्टम लिमिटेड बन जाएगा, ऐसे था ना जी, ठीक है, और एक एवेंसियन के बारे में कहते थे कि दूसरा टीआरजी बन जाएगा, क्या हुआ एक साल के बाद? वो सब अपनी अपनी मर्जी से चल, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊं, बायबैक हुआ, ऐसा नहीं है कि बायबैक हुआ, लेकिन बायबैक कहां हुआ, 70s में आके। देखिए एक एक सोचने की बात है कि वो कंपनी पागल है कि वो 180 पे उसका शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है और वो 250 रुपए बायबैक अनाउंस करेगी, मतलब क्या उसको किसी ने काटा है? हाँ, उनका तो लॉस होगा अगर ये ऐसे कर दिया। वो क्यों ऐसा करेगा, क्यों ऐसा करेगा? मतलब मेरी एक चीज जो है, मुझे मालूम है कि भाई इस माउस की प्राइस जो है 50 रुपए, मैं क्यों उसे 500 रुपए में खरीदूंगा, क्यों खरीदूंगा, उसकी करंट प्राइस 50 रुपए, मैं मार्केट से आगे ले लूं भाई। अगर उनको बायबैक ही करना है तो मार्केट से कर ले, मार्केट में 180 का मिल रहा है भाई, वो 250 क्यों करेंगे? सोचने की बात है, सोचने की, हाँ। समझ नहीं आती है। इसी तरह से कुछ टाइम पहले लकी सीमेंट की अनाउंसमेंट आई थी कि 475 पे बायबैक होगा, उसके बाद 420 हो गया, कहाँ गई वैल्यूज? आज ये बेचारा 500 के आस पास रुल रहा है। फिर बात ये आती है कि नहीं वो सीमेंट सेक्टर में मसले आ गए, तो ये हो गया, तो ये रीजन, फिर आपको रीजन मिलते रहते हैं। तो हमेशा आप कोशिश ये करें कि जब आपको कोई न्यूज क्लिपिंग मिले, कोई न्यूज आइटम मिले, जस्ट सी कि मेरा कॉमन सेंस उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। टू डेज बैक मतलब आई वॉज सो सरप्राइज, अब मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ ना, या जितना टाइम गुजार चुका हूँ, जब एक कोई न्यूज कटिंग आती है ना, तो मेरी आदत है कि मैं उसको पहले गूगल करके देखता हूँ कि भाई, क्योंकि गूगल आपको सब बता देता है, ठीक है। नेटसोल के बारे में खबर आई कि नेटसोल ने $multi-billion को डील साइन की, अच्छा भाई बहुत जबरदस्त बात है, और नेटसोल को शायद उस दिन कैप भी लग गया था। आई जस्ट गूगल्ड इट, पता चला कि वो तो नेटसोल नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान भाई। अगले दिन बेचारा नेटसोल देखे, उस रेट से तकरीबन कोई 10% नीचे खड़ा हुआ है, 6-7% नीचे खड़ा हुआ है, फिर कहाँ गई वो न्यूज आइटम? मतलब वो तो किसी उनकी सब्सिडियरी की थी, नेटसोल पाकिस्तान जो है वो नेटसोल अमेरिका की सब्सिडियरी है, ठीक है, तो वो तो नेटसोल अमेरिका की वो डील हुई है, वो भी कुछ किसी यूरोपियन नेशन के साथ हुई है, इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। फिर अगर पाकिस्तान में अगर होगा भी, अगर फॉर दैट मैटर अगर हो भी जाता, आप इसको देखो कि भाई वो कितने मिलियन डॉलर की हुई है, उससे थोड़ा सा तो आप, मैंने आपको अभी आलू की मिसाल दी ना, जब आप आलू लेने जाते हो तो आप रिसर्च करते हो ना कि भाई आलू 500 रुपया कैसे हो सकता है, भाई 500 रुपये किलो कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ कि 150-200 रुपये हो जाएगा तो आप यकीन कर लो, बिकॉज यू वॉन्ट ईजी मनी। और सर इस वक्त मतलब जैसे आपने बताया कि आप मार्केट को रिवर्स में ही देखते हैं आगे, तो आप मतलब आपको मतलब क्या लगता है कि अभी कौन से सेक्टर हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं,
कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम बताएं इन्वेस्टर्स को जिनमें मतलब आपको लगता है कि वो आगे चल के भी अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी और इस वक्त बाय करना चाहिए, जैसे आपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि गुलाइमत को बाय करना चाहिए और दूसरी कंपनी भी बताई थी। देखिए मेरी रीडिंग के हिसाब से कुछ दो तीन हैं आइटम्स, लेकिन अगेन उनमें दिन जरूरी है। इफ ईपीसीएल कम्स एट 64 रेंज तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन टू डू दैट यू नीड टू कीप अ स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो कि लोग उसमें यकीन नहीं करते, स्पेशली वो हजरात जो ये कह रहे होते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म काम करने वाले, वो बिल्कुल यकीन नहीं करते। एंग्रो फर्टिलाइजर आज से 3 महीने पहले 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज एंग्रो फर्टिलाइजर 80 रुपए पे। 3 महीने में एक स्टॉक अपनी 20% इक्विटी को वाइप आउट कर देता है, ठीक है। जब आप स्टडी करते हो ना तो पता ही चलता है कि इंटरनेशनली थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट अपने हाई से लेके 20% नीचे आ गया ना तो समझो इसकी तबाही स्टार्ट हो गई, फिर आप उस पर एग्जिट ले लो आंखें बंद करके। हम कहते हैं कि यहाँ पे 20% नीचे आ गया ना, वो काके कोई नहीं, तू एवरेज कर ले तेरा नंबर आ जाएगा, वो नंबर नहीं आता कभी, ठीक। तो स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, और जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना आपका लॉस कभी भी स्टॉप नहीं होता। आई नो मैनी पीपल हु हैव बॉट शेयर्स, लाइक मैं अगेन किसी ट्रेडिंग वाले स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक लाइक एंग्रो FFC ईफर्ट EPCL ऐसे ऐसे रेट के लोग लेके बैठे मैं कि जब आप देखते हो ना तो कहते हो कि भाई ये तुमने क्या किया है, कहते हैं हमने तो लॉन्ग टर्म किया है। ठीक है तुमने लॉन्ग टर्म कितनी तुमको अर्निंग करनी थी, कितनी अर्निंग करनी थी? देखें एक बेसिक प्रिंसिपल है, आपकी रेंटल इनकम क्या पाकिस्तान में 7-8%, आप एक अपार्टमेंट लेके रेंट पे दो, बंगला लेके रेंट पे दो, प्लॉट लेके रेंट पे दो, शॉप लेके रेंट पे दो, 7-8% मैक्सिमम 10% साल का। बैंक आपको कितना दे रहा है, कोई 13-14% 15% मैक्सिमम। म्यूचुअल फंड कितना दे रहे हैं, 15-16%। तो ये आपका बेस लाइन है ना जी। आपको सेविंग सर्टिफिकेट कितना दे रहे हैं, 16-17%, आजकल शायद रेट बढ़ गया है। ये मार्केट अगर आपको 25% साल का दे रही है या 30% साल का दे रही है, आपका पेट नहीं भरता। आप कहते हो मुझे 30% रोज चाहिए जी। रोज नहीं हर मिनट चाहिए, मैं F4 दबाऊं बाय का और मुझे अगले मिनट कैप चाहिए, ये नहीं हो सकता। यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आपका मार्केट का रियलिस्टिक गेन जो है ना, इट्स नॉट मोर देन 25%, आई कैन बेट ऑन इट, क्योंकि जो इस तरह कमा भी रहा है ना वो एवेंचुअली लूज करके निकलता है। तो अगर किसी ने पैसा बनाया है ना, किसी ने अकल लगा के पैसा बनाया है, तो इट्स नॉट मोर देन 25% या 30%, चाहे वो आप डिविडेंड इनकम पे ले रहे हैं या कैपिटल गेन पे ले रहे हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। इससे ज़्यादा आपको मिल भी जाता है ना तो आप शुक्राने के नफिल पढ़ो और एग्जिट लो, जीत उसके जो एग्जिट ले रहा है, हार उसके जो एग्जिट नहीं ले रहा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप EPCL देख सकते हो, अगर ये 64 के आसपास है, नॉट यहाँ पे आप लोग है, इट विल बी, वो कहते हैं ना गरम आलू है, इसको नहीं खाना मुझे जल जाएगा। EFERT 78 तक आए, आपने करना है 75, देखें 78 पे आप करते हो और 75 का आप स्टॉप लॉस लगाते हो, क्योंकि 75 इसकी एक अच्छी सपोर्ट है, वो टूटता है ना तो फिर ये इसका स्लिपेज जो है ना वो शायद रुकेगा नहीं इतना ईजी। EFERT इफ इट फेल्स टू होल्ड 60 तो फिर इसका शायद मिड 30s में भी कहीं आप रेट देख सकते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको होल्ड करना, ठीक है। जस्ट लाइक इट हैपेंड इन TRG जब इसने 115 का लेवल तोड़ा था, मैंने बहुत लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के मैंने कहा था कि भाई जहन में रख लो, 115 का लेवल टूटेगा ना आपके जहन में भी नहीं होगा कि आपने वो रेट कभी देखा होगा। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने
टी आज 70 रुपए का भी दिखाई नहीं था। देखे ना यार, हम तो परेशान हो गए, 70 रुपए रहे, ये तो 250 रुपए बाय बैक हो रहा था भाई जी। तो स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। Thank you, sir. Thanks so much for your valuable time.